फाइनली आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हमारे गांव में ना अलग अलग तरीके के फल होते हैं, जैसे किंगोड़े, हिसोले, और ये हिसोले का पेड़, ये ऑरेंज ऑरेंज सब पीला पीला दिख रहा है आपको, ये मेरे खाने में बहुत। और भैया आ गए हमारे गाड़ी लेके, और अभी जा रहे हैं हम हसुड़ी महादेव वहाँ पे, फिर वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। और ये देखो यार, एक बात बताता हूँ, देखो गांव की रोड में कितना वो है, ठीक है, कहते बिल्कुल ठीक। हाँ, गांव की कहते हैं ना बात ही अलग होती है, और रोड देखो यार तुम, क्या कहते शहर के रोड में भी इतने सारे गड्ढे होते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ की रोड सबसे बढ़िया हो रखी है। तो हमारी कमर टूट गई, बट कमर हमारी कल तोड़ दी बस वाले ने, जो गुदाई है ना गड्ढों में, और यहाँ देखो एक गड्ढा नहीं दिख रहा। अब छोटे मोटा तो होता है, बट शहरों का देखो, और यहाँ भाई व्यू का मजा लो, छोड़ो ये सब चीज छोड़ो, व्यू का मजा। और आपको अभी ऊपर दिखाता हूँ जो वहाँ का वो मंदिर की चीज का, शिव जी का, शिव जी का मंदिर है, हसुड़ी महादेव बोलते हैं उस जगह को, और वो क्या कहते हैं उसे, बहुत ज्यादा फेमस है ना, हंसेश्वर महादेव, हंसेश्वर महादेव, और बहुत फेमस है। तो आपको पूरा दिखाऊंगा, यदि आपको आना है तो आ जाना यहाँ पे, क्या कहते हैं, आपको आना पड़ेगा पहले, यदि आप नोएडा और वहाँ से हो तो पहले आपको रामनगर से फिर यहाँ कहाँ ये बैजरो ना, यदि आप डायरेक्ट आते हो तो बैजरो के लिए बस मिलती है, और आधा आधा करके आते हो तो रामनगर से आपको बस मिलेगी बैजरो, बैजरो से फिर टैक्सी मिलेगी हेलीसैंड के लिए, और टैक्सी का किराया 60 रुपए है, और फिर यहाँ से भी आपको टैक्सी करनी पड़ेगी हसुड़ी महादेव के लिए, और फिर उसकी जो भी इंक्वायरी होगी वो आप गाड़ी वाले भैया से जो भी आप करोगे उनसे पूछ लेना। पैदल भी जाना चाहोगे यहाँ से? पैदल भी जा सकते हो, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो इसलिए पता नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है मैं आपको बताता जाऊंगा, और रोड के मजे ले रहा हूँ मैं, और वादियों के मजे ले रहा हूँ। तो पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, फिर मिलते हैं आगे, मौज करो, रोज करो, नहीं मिली तो खोज करो। पे गुड़ाई करके दिखाते हैं कि हमारे गांव में कैसे गुड़ाई करी जाती है, जो लेडीज है ना वो इस तरीके से गुड़ाई करती हैं। दीदी तीन तीन कुड़ा ले आऊं पुंगड़ भी गुड़िया जे लो। अरे तो का तुम बजाना से यार है ना, तुम बजाना से का मेरे आपको को दे के ले जो बीते अब जो रन तो मां गुड़े हुए से ना वो दे आती। और जैसे कि हम आए हुए थे हसुड़ी महादेव पे, तो अंदर हमें फ़ोटो खींचने के लिए मना है, बट यहाँ पे मैं भी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी उन्हें लगाया नहीं है कि आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, बस वो जो पीछे मंदिर है यहाँ से थोड़ा बहुत दिख सकता है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनने फ़ोटो के लिए मना कर रखी है तो मैं वो दिखा नहीं पाऊँगा आपको। बट मैं ये बताता हूँ कि जैसे हमने पूजा करी तो अंदर शिवलिंग में हम जैसे उनकी परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे एक धारा बहती है, तो हम उसे लांगते नहीं है, तो वहीं से हमें वापस होना होता है, उसे लांगना नहीं है धारा को। तो हसुड़ी महादेव में आओ, पूजा करो, बहुत प्यारा मंदिर है, आप आके आपका दिल खुश हो जाएगा, तो आओ आप। फाइनली आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हमारे गांव में ना अलग अलग तरीके के फल होते हैं, जैसे किंगोड़े, हिसोले, और ये हिसोले का पेड़, ये ऑरेंज ऑरेंज सब पीला पीला दिख रहा है आपको, ये मेरे खाने में बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है, अभी तो चटपटा हो रहा है।
हम घर को और फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हम हसुड़ी महादेव पे। तो अब निकल रहे हैं घर पे और यार ब्लॉग आते रहेंगे पार्ट पार्ट पे, तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो जब तक ले टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मौज करो रोज करो, और पता ना क्या करना है भाई, चैनल सब्सक्राइब करके जाना मत। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।